फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन क्लासेस और न्यू अपडेट के लिए। फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टडी पॉइंट में। मैं हूं आपके साथ मनोज प्रजापत। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरफोर्स का जो मेडिकल है उसके रिव्यू के बारे में, और वो मुझे मिला है बैरकपुर और दिल्ली से। जहाँ जहाँ से भी मिलता रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, तो आपके जो डाउट हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और डेली हम आपके लिए रिव्यू की वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, बैरकपुर और दिल्ली से मुझे ये मिला है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और जहाँ से भी मिलता रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो एक लड़का था, उसका मेडिकल है जो बिल्कुल फिट हो गया। ओके, उसने मुझे इसके बारे में बताया था। उसका था बैरकपुर, उसके किसी फ्रेंड्स का था वो था दिल्ली। तो उसने बताया मुझे, मैंने पूछा कि कितने स्टूडेंट थे जो सेलेक्ट हुए थे। तो वहाँ अच्छा, काफ़ी अच्छा रेशो रहा था। जैसा कि मैंने आपको कल गाज़ियाबाद के बारे में बताया, तो गाज़ियाबाद में जो 45 स्टूडेंट्स का बैच था उसमें से ओनली 19 स्टूडेंट थे वो फाइनली सेलेक्ट हुए थे, बाकी सभी को रिमेडिकल के लिए भेज दिया गया था। ऐसा रिव्यू था, वो मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद अब बात करते हैं बैरकपुर की। बैरकपुर में उसने बताया था कि बैरकपुर में जिन भी स्टूडेंट का था 45 में से 25 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। अब देखिए भाई, ये सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेंटर के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकता है कि भाई सेंटर कैसा है, चलो डॉक्टर थोड़े ठीक हैं, इसके ऊपर कम डिपेंड करता है। बट ज़्यादा डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को किस तरह के जो रिमेडिकल के लिए पॉइंट बन रहे हैं वो। अब तो अपनी पूरी तरह सावधानी से जाइए। तो 25 स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया। अब देखिए पॉइंट क्या क्या स्टूडेंट को मिल रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा पॉइंट है वो ECG का मिल रहा है, यानी कि आपकी जो धड़कन है वो तेज होने लग जाती है मेडिकल को देखकर। कहीं मैं अनफिट ना हो जाऊं, मेरे कोई रिमेडिकल पॉइंट ना लग जाए, तो इसके लिए आपको बहुत ही भय होता है। तो देखिए, बिल्कुल डरने की कोई चिंता नहीं है। आप तो बस इतना सोच लीजिए कि यार एक स्टेप है। GD में थोड़ी डर की बात आई थी, वहाँ मैंने अपने डर को छिपा लिया। जैसे ही मैंने डर को छिपाया तो मैंने GD क्लियर किया। जिन बच्चों को हेजिटेशन थी वो GD में रह गए, जिन बच्चों की हेजिटेशन निकल गई थी वो लोग GD में क्वालिफाई हो गए, यानी कि वो लोग हम थे जिन्होंने हेजिटेशन को संभाला। इसी तरह से आपको अपनी हेजिटेशन है वो मेडिकल में संभालनी है। ये आपका लास्ट पॉइंट है, क्योंकि देखिए अब मेरिट है वो हाई जाने के चांस बहुत कम रह जाएंगे। और रिमेडिकल का रिव्यू भी आपके लिए मिलेगा, सभी जो सूचनाएं हैं सभी आपको बताएंगे कि कितने स्टूडेंट को रिमेडिकल में फिट किया है और कितने को अनफिट किया है। उसके हिसाब से मेरिट है, मेरे हिसाब से तो वो कम ही जाने वाली है। तो आप बिल्कुल भी ये सोच कर ना जाएं यार मेरे पॉइंट ना लग जाए, इतने स्टूडेंट हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं। ECG का मात्र एक ऐसा पॉइंट होता है जो स्टूडेंट्स को नहीं होता, बट वो मेडिकल के टाइम पे हो जाता है। क्यों? उसका रीज़न यही होता है कि आपकी धड़कन है वो तेज़ क्यों चलने लग जाती है, कि आपको डर लगने लगता है, यानी आपको फोबिया हो जाता है। आपको ये फोबिया हो जाता है कि कहीं मैं अनफिट ना हो जाऊं। तो ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना है। वो भी तो लोग हैं जो कम से कम 50+ मार्क्स लाए एक्स ग्रुप में और फिजिकल में ही रह गए, SRT में रह गए, उनका पता भी नहीं चला कैसे, मतलब रीज़न का भी नहीं पता लगा। आप तो ये सोच कर जाइए कि मैं फिट हूँ और मेरे कोई पॉइंट नहीं है। अब देखिए, यदि आपको कोई डिजीज़ वगैरह का कोई पॉइंट है तो उसमें तो देखिए लगेगा ही। यदि आपको कोई पैरों का नोकनी का प्रॉब्लम है वो तो देखिए पॉइंट लगेगा ही, बट ECG का जो पॉइंट है वो आप संभाल सकते हैं। आँखों का पॉइंट है उनको लगेगा, बट ECG का पॉइंट है ये आपको अपने हाथ में होगा कि आप कितनी हेजिटेशन अपने शरीर के अंदर बना सकते हो, कितना आप खुद को संभाल सकते हो। तो इस तरह से अपने आप को धैर्य रखना है। ECG के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें कंप्लीट आपको बताया था कि आप ECG से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ECG को कम कैसे किया जा सकता है, यानी धड़कन से कैसे बचा जा सके। उसके बाद देखिए, और मैंने पूछा कि यदि चेस्ट में कितने स्टूडेंट निकले, तो उसने बोला कि चेस्ट एक लड़का था वो रिमेडिकल के लिए भेज दिया गया था चेस्ट को। उसके बाद बात करते हैं हम वेट के, यानी कि वेट में कितने स्टूडेंट को निकाला, तो वेट में 3 को निकाला। और देखिए, वेट में यदि आपका वेट कम है,
लंबाई और मतलब कि आपकी एज लेंथ अकॉर्डिंग वेट आपका लिया जा रहा है। यदि आपका वेट कम है तो आपको तुरंत वहां से रीमेडिकल का पॉइंट मिलेगा। अब देखिए इस पॉइंट को तो आप कर भी नहीं सकते क्योंकि पहले से ही आपको करना था ये, तो जब आपका जीडी जो क्लियर हुआ था। बट अब इस टाइम आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि भाई 2-3 दिन में आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं, तो रीमेडिकल का पॉइंट है, मिलेगा तो मिलेगा ही। इसमें आप में बाद में जब रीमेडिकल मिलेगा तो आप कुछ ऐसा प्रोटीन वगैरह आयुर्वेदिक ऐसी कुछ दवा लेकर या जिम वगैरह ज्वाइन करके अपना वजन है जो वो इंक्रीज कर सकते हो। यदि आपका वजन है तो आपको पॉइंट मिलेगा, बट आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि यार मुझे पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। इसके चक्कर में आप अपना ईसीजी का पॉइंट और दे सकोगे। और एक बात और मैं बता दूं, डिफेंस में क्या होता है कि जिस भी सेक्ट यानी जिस भी चीज़ के पॉइंट रिमेडिकल के लिए सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो पॉइंट टूटते और नहीं है, उनमें बच्चे हैं जो अनफिट हो जाते हैं। अब ईसीजी का सभी को पॉइंट लग रहा है, तो ईसीजी का जो रिमेडिकल में जाएंगे तो बहुत ही कम बच्चों का टूटेगा। वैसे आपको मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगा, बट ज़्यादा पॉइंट होते हैं वो टूट नहीं पाते हैं, तो इसलिए आपको अपने अभी से ध्यान रखना है। अपना पॉइंट है वो अभी से आपको बचा कर रखना होगा। उसके बाद देखिए दिल्ली की बात कर लूँ, दिल्ली में थोड़ा टफ मेडिकल हुआ था। तो दिल्ली में एक स्टूडेंट था, उसने बताया था कि 45 में से टोटल 18 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाए थे यानी फिट हो पाए थे, बाकी को रिमेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि गाज़ियाबाद में था वो 19 का था, और बैरकपुर में था 25 का है, और दिल्ली में है वो आपका 18 का है। तो यही आपका रहने वाला है, 18 to 20 इनके बीच ही रहने वाला है। देखिए बैरकपुर में बच्चे बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है, ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से आपको मेडिकल के लिए, और भी देखिए आई वगैरह के लिए मैंने कल आपको बताया था कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो देन श्योर आपको मिलेगा ही मिलेगा रिमेडिकल पॉइंट। यदि आप अपने सर्टिफिकेट को बनवा कर ले जाते हैं आंखों के लिए तो उससे आप बच सकते हैं बिल्कुल। तो इस चीज़ का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। और भी और तो क्या पॉइंट यही है बस, नौकनी वगैरह का जिनको होता है नौकनी का वही उन्हीं को बाहर निकाला जाता है। यही सभी पॉइंट थे, चेस्ट वेट आई नौकनी ईसीजी डीएनएस ये सभी प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी बहुत, इन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे मेन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ईसीजी, यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखना। ईसीजी के लिए मैंने आपको उसमें थोड़ा बहुत कुछ बताया था जिससे आप थोड़ा उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने कम से कम 2-3 दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी को मेडिकल के रिव्यू के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।